अभिमन्यु मूवीज देखने वाले सारे दर्शकों को संदीप सिमर बटाला की राम राम और नमस्ते। जैसे कि आज आप लोग देख रहे हो, हम एक नई लोकेशन पे आए हुए हैं। आज मैं अपने गांव के अंदर ही हूँ, बटाला गांव के अंदर, और ये हमारे सामने बैठे हैं अनु बंबू जी, और ये सरपंच जी के उम्मीदवार हैं। तो हम इनके विचार जानने के लिए आए हैं यहाँ पे, इनके क्या क्या विचार हैं और क्या ये नई रणनीतियाँ लाना चाहते हैं सरपंच बनने के बाद। और एक पहली मुहिम हमारे चैनल पर पहली बार ये हुई है कि जो भी हमारे सरपंच के उम्मीदवार हैं वो आप पहली बार आए हो चैनल पे। बिल्कुल जी, सबसे पहले तो मैं अपने चैनल के दर्शकों को सबसे पहले राम राम करता हूँ, ठीक है ना। मैं पहली बार अपनी किस्मत आजमा रहा हूँ सरपंच उम्मीदवार में, ठीक है। आप पहली बार सरपंची में उठे हो, आज से पहले आपने कोई कोशिश नहीं करी, कोई उठने की सोची नहीं? नहीं जी, आज से पहले मैंने कोई भी मेमोरी का चुनाव लड़ा, सरपंची में पहली बार अपना किस्मत आजमा रहा हूँ। तो जी, जैसे कि आप सरपंची में अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं, बिल्कुल आपने कोई चीज़ सोची भी होगी कि अगर मैं सरपंच बनता हूँ तो मैं ये काम करवाऊँगा? बिल्कुल जी, मैंने गांव के बारे में सबसे पहले तो मैंने ये है कि जो अपने नौजवान बच्चे हैं जी, जो से अपने कोई भी कबड्डी खेलता है, रेस मारता है और भी है, मैं सबसे पहले तो उनके लिए मैं सबसे पहले अपने गाँव में स्टेडियम की कोशिश करूँगा। क्या आज तक आपके गाँव में कभी भी स्टेडियम की कोई कोशिश नहीं हुई या किसी ने करी ही नहीं? देखो जी, हमारे गाँव में स्टेडियम आया था, जो पहले पंचायत थी उसने पूरी जी कोशिश नहीं करी, इसलिए वो स्टेडियम वापस चला गया। मैंने सुना है कि आपके गांव में 52 लाख रुपए भी आए थे स्टेडियम के। स्टेडियम आए थे, जो मिनी स्टेडियम पास हुआ था, जैसे वो अपने जोड़ की ज़मीन है वहाँ स्टेडियम की मांग रखी थी, वो सरकार ने किसी वजह से पूरी पंचायत की ना कोशिश की वजह से वो वापस चले गई। तो जी, आप सरपंच जी को किस नज़रिए से देखते हो? मैं सरपंच जी को इस नज़रिए से देखता हूँ, यदि सरकारी कोई लाभ है गांव के लिए, किसी भी चीज़ के लिए सरकारी कोई भी लाभ है, सरकारी हरेक गरीब मजदूर लग पहुंचे, ठीक जी। आपने सुना होगा कि कोई भी उम्मीदवार सरपंची में उठता है, हाँ। कई बार क्या होता है, बोलियां लगाई जाती हैं कि मैं इतने रुपए दे दूंगा, मेरे को सरपंच बना दो, वो होता है एक तरफा सरपंच। बिल्कुल, आपकी उस बारे में क्या सोच है? मेरे वो जो बोली लगाता है उस बारे में जमा गलत सोच है, वो सेवा भाव से नहीं, वो अपने घर भरने के लिए बोली लगाता है। हम न तो हमारे पास हमको बोली लगाने वाले, हम सेवा भाव से गांव के विकास के कार्य के लिए पूर्ण कोशिश करेंगे। आज तक किसी भी सरपंच ने अपने गांव के बच्चों के लिए कोई भी सुविधा नहीं लाया, तो आप क्या सुविधा लाना चाहते हैं बच्चों के लिए? क्या उनको किस एक तौर पे लेके जाना चाहते हैं, किस लेवल पे लेके जाना चाहते हैं आप अपने गाँव के बच्चों को? मैं गाँव के बच्चों के लिए सबसे पहले तो जो बच्चे हैं गेम करते हैं उनके लिए स्टेडियम ग्राउंड तैयार करना चाहता हूँ। ये कोई पढ़ाई लिखाई में बच्चा है उनके लिए लाइब्रेरी की मैं अपने सुविधा देना चाहता हूँ। जैसे कि आपने ये कहा कि मैं अपने गांव में बच्चों को सुविधा देना चाहता हूँ, लेकिन आपके गांव का जो स्कूल है, बॉय स्कूल है या फिर कन्या पाठशाला, वो सिर्फ अभी तक 10वीं क्लास तक ही है, उसके आगे तक नहीं बढ़ा हुआ आज तक। बच्चे जो हमारे गांव के हैं वो बाहर जा जाके पढ़ रहे हैं, कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, किसी की आर्थिक व्यवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी उनके माँ बाप को उनको प्राइवेट स्कूल में डालना पड़ता है। ये जी, मैं पंचायत की नाकामी मान रहा हूँ। यदि वे जैसे 10वीं तक के स्कूल है, कन्या पाठशाला है, यदि पंचायत मंत्रियों के पास और जीपुर कोशिश करती तो ये +2 लग के और आगे स्कूल बढ़ सकता था। आपके गांव में, जैसे कि मैं भी इसी गांव का हूं और मैंने इस गांव के अंदर मैं कई बैठकों में बैठता हूं और मैंने ये बात भापी है कि किसी किसी परिवार का प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के बाद भी ब्योत नहीं होता है कि वो अपने बच्चों की फीस भर सकें या उनको अफोर्ड करा सकें उनके अच्छे कपड़े किताबें, तो उस बारे में आपकी क्या सोच है? मेरे बारे में उसकी ये सोच है, यहाँ उनको लिए मतलब स्कूल में बढ़िया स्टाफ लिया जाए, किसी का कोई इंग्लिश का टीचर नहीं, मैथ का टीचर है पंचायत की तरफ से, ब्लॉक लेवल पर उस टीचर को यहाँ पंचायत की तरफ से लिया जाए, सरकारी स्कूल में प्राइवेट जैसी पढ़ाई हो। एक मुद्दा और आया था कि जी, आपके गांव में थोड़े दिन पहले चोरियाँ कुछ ज़्यादा स्तर पर बढ़ी थी, उस बारे में आपका क्या ख्याल है? मेरे उस बारे में यह है कि यदि चोरियाँ रुक सकती हैं तो अपने जैसे मेन चौराहे हैं, चारों तरफ रास्ते हैं, उन पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, उसे चोरियाँ कम हो सकती हैं। गांव के अंदर जो पंचायती ज़मीन होती हैं ये हेरी जा रही हैं आज की डेट में हमारे गांव में जितनी भी पंचायती ज़मीन है सबके ऊपर किसी न किसी परिवार कुणबे ठोड़े का कब्जा है, उस बारे में आपका क्या ख्याल है? उस बारे में मेरा ये ख्याल है कि जो कब्जा है वो रुकवा जाए और ज़्यादा मतलब कब्जा नहीं हो जाए, सरकारी उसके पंचायती ज़मीन पर जैसे बूढ़े हैं बजरंग है पार्क बना जाए और सरकारी ज़मीन पर स्टेडियम की व्यवस्था की जाए, जिससे गांव को सुविधा मिलेगी।
अगर आप सरपंच बनते हैं तो आप गाँव का कहाँ तक का सुधार सोच रहे हैं? मैं यदि सरपंच बन सकता हूँ तो गाँव तक का पीने का पानी का सुधार, जैसे बढ़िया जगह है पंचायती ज़मीन है, जैसे गुसाई वाला जोड़ है, वहाँ से लाइन दब के लाई जाए और गंदा पानी की व्यवस्था जैसे ड्रेन में यहाँ से निकाला जाए गांव का गंदा पानी, मैं वहाँ तक का सुधार की सोच रहा हूँ। आपने ये बात तो सोच ली कि गुसाई वाले खेतों में से पानी लाया जाएगा, लेकिन आज की डेट में बडाड़ा गाँव में पीने का पानी बिल्कुल भी नहीं है। हम कह सकते हैं ये बात खुली मीडिया के ऊपर कह सकते हैं कि हमारे गाँव के अंदर पीने का पानी बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही किसी सरपंच ने कोई कोशिश करी है कि पीने का पानी लाया जाए। यहाँ तक कि हमारे गांव में तो सप्लाई का पानी ही नहीं आता, 8 दिन में आता है। तो उस बारे में क्या ख्याल है कि 8 दिन में हमारे गांव में सप्लाई का पानी आता है? 8 दिन में हमारे गांव में सप्लाई का नहर यदि 40 दिन में एक बार आती है, इसी बारे में हम ये पहले भी हम थोड़ी बहुत कोशिश कर सकते हैं, फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं था, गोसाई वाले में से लाइन दब के वाटर सप्लाई में भी लाया जाए, पीने का पानी का प्रबंध कराया जाए वहाँ से, जैसे अब 8 दिन में आती है तो दूसरा दिन या पहले दिन भी पानी आ जाए। जैसे कि हम आपके विचार सुन रहे हैं, हमने आपके सारे विचार सुने, आज तक हमारे गांव में कोई भी पार्क नहीं है सार्वजनिक, या फिर कोई टॉयलेट नहीं है, कि हमारे गांव में एक बस अड्डा है अभी तक, वहां पर भी कोई सार्वजनिक टॉयलेट नहीं है, है बना हुआ है लेकिन ताले लगे हुए हैं वहां पे, उस बारे में कोई आपका ख्याल? मेरा ख्याल ये है कि वहां बढ़िया टॉयलेट बना जाए पंचायत की तरफ से, पंचायत यदि नई पंचायत आएगी उसकी तरफ से पार्क की व्यवस्था की जाए, नई पंचायत की तरफ से जैसे सरकारी ज़मीन है समलायत की ज़मीन, उस पर पार्क बना जाए, बूढ़े बुजुर्ग जैसे शाम को घूमे सुबह घूमे। आपने ये बात तो कह दी कि पार्क बनाया जाए, आप चले गए भविष्य काल में, अगर हम आज अपने प्रेजेंट की बात करें तो जो हमारे पीछे वाले सरपंच रहे हैं आज तक, उन्होंने ये काम क्यों नहीं करवा पाए? मैं ये उस पंचायत की उस सरपंच की कमी मानता हूँ, ये काम करवाने चाहिए थे पहले से ही। हम अपनी यदि नई पंचायत बनेगी तो हम सबसे पहले ये स्टेडियम और ये पार्क का काम सबसे पहले करवाएंगे। जैसे कि आप लोगों ने अनूप बंबू जी के विचार सुने हैं, तो मैं आप लोगों से एक आशा करता हूं कि सरपंची के दौर में ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत के तौर पर इनको वोट दिया जाए। और इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी ये, तो आप एक बार हमारे दर्शकों को राम राम कर दीजिए। मैं सभी दर्शकों को राम राम करता हूं और सभी ग्रामवासियों से अपील करता हूं कि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा वोट दिए जाएं, जो मैं कि गांव की सेवा कर सकूं।